यूं कहता जेड़ी जाऊं हूं बले बे और कौन का था के कर उसका जेड़ी गले वो जेड़ी आप आपका मारर मार मार रहे एक आदमी जो था ये बाप का दोरे नुगा था जेड़ी जाऊं यू काम ने के खोट कर दिया लिया के को था यूं कहता जेड़ी जाऊं हूं बले बे और कौन का था के कर उसका जेड़ी गले वो जेड़ी आप आपका मारर मार मार रहे जो जिसने यू काम किया है हां का था किराया लिया को नहीं वो लगे तो गाड़ी लेके यहां से लेन जा रहा जेड़ी की मैं वर्बल ऑर्डर मैन का मैं एफआईआर करा रही हूं तो इन्होंने यूं काम मैं उठा लूंगा पाइप नहीं उठे ये तो ये पाइप रात को इनका कैसे फटा है मेरे पास रात को ही मैसेज आ चुका है। अब वो मैंने कर्मचारी को बोला जी टैंक में गंदा पानी डाल दिया तो मैंने कहा अब तुम क्या कर सको है तो सारा किस्सा ये गांव वाले ही करने वाले कर्मचारी क्या कर सकता है अकेला अकेला कर्मचारी नाइट ड्यूटी में क्या करेगा वो तो मेरे को मैसेज दे दिया मैं मेरी कार्रवाई कर रही हूँ विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने दोनों पक्षों से जी बात करी है तो ये तो देखो ये तो गांव राव है इनको अपना पानी के अंदर तो मैं अभी हमारा सैंपल में चेक करवाऊंगी उसके बाद ही सप्लाई होगी जी। ये कितने दिन में हो जाएगा पूरा प्रोसीजर? ये प्रोसीजर रात से ही हमारा सिस्टम लाइट आते ही चालू कर दिया ये पानी बाहर फेंका जाए। बस इतने विभाग के जो SDO है वो खोखा गाँव के अंदर वाटर बक्स के अंदर पहुंच गए है पूछेंगे उनसे भी आखिर के कार्रवाई हुई है के नहीं हुई है पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है आपने देखने मिला होगा लगातार नमस्कार। जो ये खोखा गांव के अंदर जो ये बवाल हो रहा है ये जो मुद्दा है जो पानी का आखिर क्या लगता है? मैं परसों यहाँ आई हूँ मैंने कहा ये पाइप उठा लो भाई जी। मैं वर्बल ऑर्डर मैंने कहा मैं FIR करा रही हूँ तो इन्होंने यूं कहा मैं उठा लूंगा पाइप नहीं उठे ये तो ये पाइप रात को इनका कैसे फटा है मेरे पास रात को ही मैसेज आ चुका है। अब वो मैंने कर्मचारी को बोला जी टैंक में गंदा पानी डाल दिया तो मैंने कहा अब तुम क्या कर सको है तो सारा किस्सा ये गाँव वाले ही करने वाले कर्मचारी क्या कर सकता है अकेला अकेला कर्मचारी नाइट ड्यूटी में क्या करेगा वो तो मेरे को मैसेज दे दिया मैं मेरी कार्रवाई कर रही हूँ विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। हमने दोनों पक्षों से जी बात करी है तो ये तो देखो ये तो गांव राव है इनको अपना पानी आप लोग मीडिया में ये खुद देखो वाटर वर्क्स की हालत देखो मैं कहा ये देखे खत्ती वाटर वर्क्स के आगे टेंट लगा रहे हैं वाटर वर्क्स में तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ कर्मचारी है उसको मारने भागेंगे बाहर के हैं बेचारा कल्ला कर्मचारी ये तो गांव सहयोग करे ये लड़ाई झगड़ा ना करे ये इनका एक पवित्र जगह है जो कि एक पानी पीते हम सरकार हमारा इतना जल ही जीवन है जिसके लिए इतना पैसा खर्च करी और ये गांव ऐसे कर रहा है उसमें आप और मैं क्या करें हम FIR कराएंगे तो क्या है तो भी करना तो समाधानी सी गांव ने है। मेरी तो हाथ जोड़ के इन लोगों से ये विनती है आप पढ़े लिखे हो भाई कुछ तो सुधार करो इस गांव में जी। क्या अधिकारी करे क्या कर्मचारी बेचारा एक दूसरे गांव का उसको रात को मार के डाल देंगे उसका रात को ही फोन आता है मेरे पास मैडम ये हालत हो चुकी है मैं तू यहाँ बाहर आ जा तूने यहाँ नहीं रहना आता पाई होगी सरपंच से उसने बात की मैं सरपंच को मैसेज दे उसने सरपंच को मैसेज दिया उसके बाद मैंने मेरी कार्रवाई कर दिया। अब यो क्या अब मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती कर रही हूँ भाई सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है और आप इस गांव की क्या हालत कर रखी है जी। आप बताओ क्या हो आप भी मीडिया में हो क्या करना चाहिए ये इन्हीं लोगों का काम है। मैं ये आपसे कोई बाहरी तत्व हो तो भी आपस में अब आप देख भी रहे थे यहाँ तो बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई इनकी तो आप लोग देख भी रहे थे तो एक अधिकारी और आप लोग क्या कहोगे इस बारे ये तो इसी गाँव को समझना चाहिए भाई पढ़े लिखे बच्चे है भाई ये हम क्या कर रहे हैं सरकार इतना खर्चा जल ही जीवन है जल है तो सब कुछ है जी जी पानी बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते इतना खर्च लगा कर ये हालत कर दी। लास्ट में ये सवाल है आपसे जी जो ये टैंक भरा है जो ये गंदे पानी का ये मैं क्या यही पीता रहेगा या कितने दिन में ये मेरा ऑर्डर हो चुके हैं ये पानी बाहर निकाला जाएगा उस एक टैंक से सप्लाई चल रही है ये वाल बंद कर ग्रामीणों का मानना है कि जो दूसरा टैंक है इसके अंदर भी मतलब 25-30% पानी मिला हुआ है। नहीं इसके अंदर तो मैं अभी हमारा सैंपल में चेक करवाऊंगी उसके बाद ही सप्लाई होगी जी। ये कितने दिन में हो जाएगा पूरा प्रोसीजर? ये प्रोसीजर रात से ही हमारा सिस्टम लाइट आते ही चालू कर दिया ये पानी बाहर फेंका जाए उसके बाद नेक्स्ट नया पानी चलेगा। हाँ इसमें साफ करके फिर नया पानी चले जो ये रास्ता बताया जाने लग रहा है कि ये मतलब यहाँ को रंग का रास्ता है या कोई मतलब अवैध डाले जाने लग रहे पानी बताने लग रहे अवैध है जी अवैध है तो उसको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल कर रही हूँ मैं ठीक है धन्यवाद भाई। फिलहाल खोखा गाँव के अंदर मौजूद थे और यहाँ ग्रामीण और मैम थी हमारे साथ में स्वास्थ्य विभाग की SDO तो इनसे बात करी पूरे विचार सुन लिए पूरा मामला सुन लिया आपने आखिर आपने क्या लगना लग रहा कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें दे रही हो। खोखा गांव के अंदर जो तालाब का जो झगड़ा था आपसी झगड़ा था वो यो तालाब है इस तालाब का पानी उठा के जो सारे गांव का जो वेस्ट पानी आओ जो खराब का खराब पानी को है इसके ऊपर मोटर लगा के यो रोड आ गया
यो रोड आएगा इस साइड, रोड के नीचे को पाइप लाइन दबा के और डिग्गी के अंदर को पाइप लाइन निकाल रखी है, क्या इसकी परमिशन है या अवैध है ये भी गांव वाले से जानेंगे। और बताया जाने लग रहा है गांव वाले के जैसे कि आरोप है, ये ट्रांसफार्म बिजली का ट्रांसफार्म इसके ऊपर डायरेक्ट चोरी फूक के, इसके ऊपर भी कोई परमिशन है या ना है ये भी गांव वाले तो जानेंगे। ये जो पाइप लाइन है रोड के नीचे को, इसकी कोई परमिशन ले रखी है या बगैर परमिशन अवैध के चल रहा है, यह भी डिस्कस करेंगे। डिग्गी का भगो रास्ता लेके जो सारे ओद्दा का पानी पीने का था वो पानी सारा खराब कर दिया खोखा गांव के, जहर पीने के लिए मजबूर है, आखिर पूरा मामला के है तो पूछांगे, यो डिस्कस करांगे नंबरदार साहब से। हाजी, जो यह लाइन दाब रखी रोड के नीचे को जो खराब जोड़ जो पानी पानी का आपका तालाब है, यो क्या वैक्यूम परमिशन ले रखी है अवैध? कोई परमिशन नहीं, तो वैसे ही दाब रखा धक्का सही दे, धक्का सही दे। और जो मोटर रख रखी है, जो इसके ऊपर पंखा मोटर रख रखी है, हाँ। जो यू ट्रांसफार्म है इसके ऊपर कोई कनेक्शन वगैरह उसका? कनेक्शन कोई नहीं, अवैध अवैध चोरी थे, चोरी थे। और जो डिग्गी के अंदर से पाइपलाइन आगे खेत में ले जाई जाए है, उसका रास्ता है यहाँ को? ना कोई रास्ता नहीं। तो फिर ये कैसे चलने लग रहा है? देख लो दिखा रहा है, महकमे ने सूचना दे दी, महकमा इसका समाधान करो। हमें कहा था आपस में एक परिवार के लजूत बाजिए, उसके तीन भाई से, तीन भाई तीनों शरीफ से, कोई मान ले लड़के हरकत में नहीं। अच्छा, इसके लड़के से वो लड़के कर रहे हैं, दोनों लड़के, एक का के नाम से भाई रोहतास है और एक का ये नाम। कितने दिनों से ये जो धंधा चलने लग रहा है? ये 7 साल हो गए। 7 साल हो गए तो खोखा गांव ने 7 साल के बाद आंख खोली है। कई बार प्रशासन बुला लिया, पहला आप भी आए थे पत्रकार भी, यही समस्या थी और मान ले लोगों ने कह दिया, लोग गुड़ाई नहीं करना चाहते किसी के साथ में, भाईचारा ही रखना चाहो, जो आ गया नहीं वो ही पी लेंगे। हाँ, पी लेंगे तो बीमार हो जाए, पहला बीमार हो गए थे लोग। अच्छा, फिर प्रशासन बुलाया, फिर इसका समाधान हो गया, फिर पीने लगे लोग। ये भी थी पी की, मान ले चाहे जिनोर पियो, चाहे आदमी पियो, चाहे लुगाई पियो, छत्ती जात में वो तो बीमार होगा। आखिर इसका मतलब समाधान कैसे होगा? समाधान तो प्रशासन करो जी, सहयोग हम दे देगा। गांव राम का भाईचारा बगैर काम नहीं चलेगा, कौन चल रहा है? ठीक है, एक आदमी जो था आपके दोरे नुगा था जेली लिया, गांव ने के खोट कर दिया लिया था नुगा था जेली लिया हूँ बोला बे, और कौन का था केक रहा उसका जेली गला, वो जेली आप आपका मारा मार मार रहे जो जिसने यू काम करा है। हाँ, क्या था राय लिया कौन आया वो लगे गाड़ी लेके यहाँ जा रहा जेली तो भाई। ये थे खोखा गांव के जो नंबरदार है, मौके के ऊपर बताया भाई ये जो पाइपलाइन है या भी अवैध रोड के नीचे को पूरी आंखड़ी बनाए रखी है, साधन है ना पूरा, मतलब जब स्पीड में आंदा तो चोट लगने का डर है। और ये जो ट्रांसफार्म है जो बिजली का, इसके ऊपर भी अवैध तार ला के जो चोरी करके जिस जोड़ का गंदा पानी निकाल के अपने खेता में डिग्गी का पानी भी खराब कर दिया, वाटर वर्क्स का जिसने बोलिया करा। और कैसे इसका निपटारा होगा, पूरी वीडियो आपने देख ली, पूरा मामला आपने देख लिया, कमेंट के जरिए राय जरूर दे दियो। और मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, तब तक राम राम, जय हिंद।